ओके सो एज यू ऑल नो डीजी का नया रूल आया है कि डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों भी चेंज करना है एज पर द रूल. फोटो आना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड में और सिग्नेचर आनी चाहिए ब्लैक पेन में. इन केस अगर आपका एक्सपायरी कुछ कोर्सेस हुआ है तो ये कोर्स करने से पहले प्रोफाइल अपडेट होना जरूरी है. सो मैं अभी जा रहा हूँ फोटो शूट करने के लिए एंड व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो है नहीं मेरे पास और फेस भी उनको 75% कुछ चाहिए. सो संचार बंदी के कारण हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट शॉप सारे बंद है और पता नहीं अभी फोटो स्टूडियो मिलेगा या नहीं खुला. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लोज. ओके सो फोटो शूट हो चुका है कंप्लीट एंड बड़ी मुश्किल से मिला ये फोटोग्राफर और आधे घंटे के बाद वो फोटो भेज देगा और मैं तुरंत ही अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि 12 तारीख को मेरा कोर्स है पीएसटी का रिफ्रेशर और उससे पहले प्रोफाइल अपडेट होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है. और डीजी शिपिंग का नया रूल आ चुका है कि जो भी लोग यूके से साइन ऑन साइन ऑफ करेंगे उनके लिए जो बायोमेट्रिक सिद है एसआईडी उसको कंप्लीट मतलब उसका सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आईडी चाहिए अपने को कंपलसरी है. मैं अभी जस्ट नोटिफिकेशन पढ़ा हूँ और मतलब कंपनी की तरफ से मेल आया है मुझे. सो मैंने अभी तक उसके बारे में पढ़ा नहीं है, जैसे मैं इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ आई विल लेट यू नो. सो स्टे ट्यून्ड. सो अभी इस साइड आ ही चुका हूँ तो सोच रहा हूँ कि मैं बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट निकालूँ क्योंकि अभी बेबी 4 महीने को होने आ रहा है और मैंने अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाला है. काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. मैं अभी जा रहा हूँ भोसरी हॉस्पिटल में जहाँ पे बेबी बर्थ हुआ था और वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एक्नॉलेजमेंट का और वो लेके जाना पड़ता है नगर पालिका में. सो दिस इज ग्रामीण रुग्णालय, हियर आई एम. यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ऐसे इंफॉर्मेशन है. सो आई एम हियर. दिस इज रॉन्ग प्लेस. वहाँ पे ग्रामीण रुग्णालय में बस उन्होंने एक फॉर्म दिया है, वो लोग बस 9 से 12 के बीच में ही काम करते हैं. लेट्स गो टू होम नाउ. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. ओके सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं. अगर आपका डीजी का वेब प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो उसके लिए बहुत मगजमारी है. आई मीन लिटरली मैं सुबह से लगा पड़ा हूँ, इतने सारे वीडियोस देख ले यूट्यूब पे लेकिन नहीं हो रहा है. अभी एक मैंने कोर्स बुक किया था तो उसमें लिखा हुआ था लेकिन मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था. सो अभी बीपी मरीन में मैंने कोर्स बुक किया है 12 दिसंबर को पीएसटी का रिफ्रेश कोर्स और बीपी मरीन की तरफ से एक मैसेज आया था. क्या है लैपटॉप इतना हैंग हो रहा है. ओके सो कोर्स बुक करने के बाद ये मेल आता है बीपी मरीन की तरफ से डीजीएस फोटो एंड सिग्नेचर अपडेट. फिल अप द डिटेल इन द लिंक. रिक्वेस्ट फॉर फोटो अपडेट परमिशन ऑटोमेटिकली गोज टू डीजीएस. सो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद डीजीएस की तरफ से और सॉरी बीपी मरीन की तरफ से एक मेल आता है वेरिफिकेशन. बीपी मरीन का एक मेल आता है वहाँ पे. वो लोग डीजी शिपिंग को भी भेजते है और हमें भी भेजते है क्या क्या अपडेट करनी है डिटेल्स. सो ऐसा मेल है. हाँ मेल फोटो और पासपोर्ट सिग्नेचर इसे अपडेट करना है बस. सो अभी पता नहीं है परमिशन कब आएगा और जैसे ही परमिशन आता है सो देन आई विल लेट यू नो टिल देन. ओके सो कल जो मैंने फॉर्म भर के दिया था डीजी शिपिंग को भेजा था रिगार्डिंग फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के लिए सो उसका वेरिफिकेशन आ गया है, परमिशन मिल गई है. सो अगर ईमेल डीजी शिपिंग के प्रोफाइल पे जाके आप अपडेट एक मिनट में दिखाता हूँ आपको. सो यहाँ पे पहले ये नहीं आ रहा था क्लिक टू अपलोड री अपलोड. सो अभी आ रहा है अपलोड का. सो दिस इज द प्रोसेस. अगर आपका भी नहीं हो रहा है ऐसा तो अगर कोई कोर्स बुक किया है तो परमिशन आ ही जाएगी. अदरवाइज यू हैव टू सेंड ईमेल टू द डीजी शिपिंग इंड ऑफ सेल. उसका मैं ईमेल आईडी आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो ऑल्सो वन मोर थिंग, जो सिद के लिए मैंने अप्लाई किया था कल और पेमेंट भी किया था उसका अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं हो रहा था लेकिन अभी मैंने जस्ट ट्राई किया सो ये भी हो रहा है.
फ्रेश अपॉइंटमेंट, लॉकडाउन अपॉइंटमेंट और यूके ब्राज़ील अपॉइंटमेंट। सो ये तीन ऑप्शन है यहाँ पे, मेरा तो फ्रेश है। जो लोग यूके और ब्राज़ील पोर्ट पे साइन ऑन कर रहे हैं उनके लिए ये करना ज़रूरी है। अगर यूके ब्राज़ील सिलेक्ट करोगे अपॉइंटमेंट तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा स्लॉट बायोमेट्रिक के लिए। मेरा तो फ्रेश अपॉइंटमेंट है। यू हैव सिलेक्टेड फ्रेश अपॉइंटमेंट, ओके। सिलेक्ट सेंटर मुंबई। व्हाट्स रॉन्ग? फ्रेश अपॉइंटमेंट, सॉरी लॉकडाउन अपॉइंटमेंट। प्रिवेंट दिस पेज फ्रॉम क्रिएटिंग एडिशनल अलार्म, ओके। मुंबई, स्टिल दिस इज नॉट वर्किंग आई थिंक। यूके ब्राज़ील वाला सिलेक्ट करोगे तो ओके। सो यूके ब्राज़ील के लिए अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको कंपनी आरपीएसएल कंपनी से आपको लेटर लेना पड़ेगा कि आप यूके और ब्राज़ील पोर्ट से साइन ऑन कर रहे हो। बालकनी में हमारे रोज कबूतर आके यहाँ पे आवाज करते रहते हैं। आई होप यू आर लिसनिंग। Hey Shonu, good morning baby, good morning, good morning, good morning, hey. फोटो खींचने का काफी शौक है इसको और काफी देखता रहता है कैमरे में। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस टुडेज व्लॉग। अगर कोई है जो पीएचडी का कोर्स बुक किया है सो हम लोग मिलेंगे कल क्लास में। ये वीडियो आज ही आ जाएगा, कल तारीख है 12, मेरा पीएचडी का कोर्स रिफ्रेश है। रिगार्डिंग द सीट आई विल अपडेट इट इंस्टाग्राम पेज, सो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो जल्दी जल्दी फॉलो करो। अभी हम लोग 10K फॉलोअर्स होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सो जल्दी जल्दी फॉलो करो और स्टे ट्यून फॉर द अपडेट। इस कोर्स के क्वेश्चन एंड आंसर की जो भी प्रैक्टिस करना है उसका भी एक वीडियो है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें रिगार्डिंग पीएसटी। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, अभी 10K फॉलोअर्स होने वाले हैं, सो मजा आने वाला है खूब। और सी यू देन इन नेक्स्ट वीडियो।